चितला माता क्षेत्र वार्ड क्रमांक 12 में पीने के पानी की सप्लाई की जाती है, साफ पानी नहीं आ रहा है, नलों से लाल पानी निकल रहा है, पानी के लिए वार्ड वासियों को भटकना पड़ रहा है। इधर उधर लाल पानी की सप्लाई मामले की जानकारी मिलने पर कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह वार्ड क्रमांक 12 में पहुंचे। उन्होंने इस मामले में नगर पालिका को आड़े हाथों लेते हुए लाल पानी सप्लाई करने पर चिंता जताई है और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अदालत तक जाने की बात कही। चाचोड़ा के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह वार्ड में पहुंच गए और लोगों की समस्या देखकर हैरान रह गए। गुना नगर पालिका की हालत मैंने अभी देखा कि इस वार्ड में लाल पानी सप्लाई हो रहा है। मुझे भरोसा नहीं हुआ, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो हम कांग्रेस के लोग देखने आए और आप लोग सब आए, उसका धन्यवाद। ये पुष्पा बहन जी खड़ी हैं और ये पानी उनको सप्लाई हो रहा है। ये आई है बहन जी, क्या नाम है आपका? हेमलता बहन जी आई है, देखिए वार्ड नंबर 12 से था। ये पेयजल है, ये इसको पेयजल कहा जा रहा है, पेयजल दीपावली। और हम लोग अब इस मामले को अगर यहाँ सप्लाई की व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम लोग अदालत में जाएंगे। मैं आया था गुना किसी निजी काम से और रास्ते में मेरे साथियों ने मुझे ये वीडियो दिखाया कि लाल पानी सप्लाई हो रहा है पेयजल के नाम पर। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने पहले तो विश्वास नहीं किया कि इतनी खराब हालत भी हो सकती है। फिर हम लोग यहाँ सब लोग आए देखने और वाकई हमने देखा और हमारी बहनें बता रही हैं कि तो कई वर्षों से इस तरह का पेयजल का पानी आ रहा है और ये बहुत खतरनाक है। 12-13 साल से आ रहा है सरकार के पानी। हाँ, मैं तो देख नहीं पा रहा। अब ये देखिए आपकी इसका ये लाल क्यों हो रहा है, क्या कारण है? या तो फ्लोराइड की मात्रा इतनी ज्यादा इसमें बढ़ गई है कि वो पानी लाल हो रहा है, एक तो ये कारण है। दूसरा क्या कारण है, क्योंकि इसकी जांच होना चाहिए। और ये अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो इसका असर बच्चों पर बहुत खराब पड़ता है, इससे विकलांगता होती है, ज्यादा करके बच्चे विकलांग हो जाते हैं। और ये इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और पेयजल का और भोजन का अधिकार ये कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तो उन्होंने कानून बना के दिया है, राइट टू फूड, राइट टू ड्रिंकिंग वाटर, ये हमने बना के दिया है कानून। उस कानून के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम लोग अदालत में जाएंगे, अदालत से नहीं।